आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाईबासा में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने राजधानी रांची में मुर्गा बेचते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मुर्गी पालन करने की नसीहत दी थी। जितने भी लोग हैं यहाँ पे अंडा और मुर्गा बेच रहे हैं, दरअसल भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। ये अनोखा पहल जो है ये रांची में देखा जा रहा है, अंडा मुर्गा लेके जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा प्रदर्शन देख रहा हूँ। जो सरकार निकम्मी है, जो सर्कुलर रोड में ये नजारा जो है ये दिख रहा है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। हे मंसूरन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हे मंसूरन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये सर अनोखा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले घूम घूम के पूरा राज्य में राज्य की वहाँ से वादा किया था कि हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और इस 2021 के साल को चीख चीख के जिला जिला के हरेक नुक्कड़ चौराहे पे बोला कि 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। जैसे जैसे नियुक्ति का वर्ष समाप्त होता गया, राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतिम महीने के अंतिम दिनों में कहा कि राज्य की वह अब राज्य के मुख्यमंत्री के भरोसे न बैठे, राज्य की वह सरकारी नौकरी की आस न करे, अब वो मुर्गी और अंडा बेचे। इसलिए हम सारे लोग मुर्गी और अंडा बेचने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए राज्य का युवा क्या हालत बना दिया मुख्यमंत्री ने। एक संवेदना का स्वर आपके मुंह से राज्य के युवाओं के प्रति नहीं निकला। क्या निकला? भद्दा मजाक निकला। क्या निकला? तो युवाओं के लिए गाली निकली। क्या राज्य के युवा, पढ़े लिखे युवा, नौजवान साथी बाहर कहीं मत जाओ, अपने ही घर में मोहल्ले में चौक खोला है, मुर्गी का अंडा का दुकान खोलो और राज्य की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडा मिलेगा, अंडा और मुर्गी मिलेगा, मुर्गी वो भी आपको खरीदना पड़ेगा, फिर वो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मेरे कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है दुकान और मुख्यमंत्री साहब तो बोल रहे हैं कि अब ये सिर्फ मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में लगेगा इस तरह की दुकान, क्योंकि अब बेरोजगार जितने भी युवक हैं उन लोगों को ये इन्होंने कहा था कि मैं जैसे आऊंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं जैसे आऊंगा और आप लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाऊंगा तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। आज उनकी करनी और कथनी में कितना का फर्क दिखाई दे रहा है वो राज्य की युवा देख रही है और इसका हर्जाना उन्हें अगला चुनाव में दिखेगा कि यहाँ की युवा किस तरह से उन्हें हटाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय। ये रोड के किनारे जो है ये अनोखा पहल आप देख सकते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।